टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। भारत के खाते में अब तक 15 मेडल आ चुके हैं, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं ऐसे ही जश्न टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने पर तीरंदाज हरविंदर सिंह के घर में जारी है। हरियाणा के गूला चीका ने अजीत नगर गाँव के निवासी हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में पहला मेडल जीत कर इतिहास रच दिया है, जिसको देखकर पीएम मोदी ने हरविंदर सिंह को बधाई भी दी। वहीं हरविंदर सिंह के पूरे गांव में जश्न का माहौल है, लोग नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। इस मौके पर एसडीएम नवीन कुमार हरविंदर सिंह के घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। सीएम साहब ने घोषणा की है उनके लिए 2.5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की। हम सीएम साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रशासन की टीम के साथ ऑन बिहाफ ऑफ डीसी सर, मैं आज हरविंदर के घर आया हूँ और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हरविंदर जी को, उनके माता पिता को और उनके सभी परिवार के सदस्यों को कि आज उन्होंने हमें इतना बड़ा गौरव प्रदान किया है। आने आगे जो आने वाले बच्चे हैं जो खेल में प्रोत्साहित हों, आगे बढ़े, इसके लिए गुला प्रशासन के क्या हो रहेंगे प्रयास रहेंगे? डीएसओ मैम मेरे साथ हैं, जैसा आप देख रहे हैं, और हम अब हरविंदर को एक रोल मॉडल की तरह प्रोजेक्ट करेंगे अपने सब डिवीजन में। और हम आर्चरी को लेकर कोच साहब सचिन जी भी हमारे साथ हैं और हम चाहेंगे कि आर्चरी को हम अपने सब डिवीजन में बहुत आगे ले जाएं और एक सोशल मोमेंट बनाएं आर्चरी को हम अपने सब डिवीजन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस खेल से जुड़े और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। बता दें कि हरियाणा सरकार ने खेल नीति के तहत हरविंदर सिंह को 2.5 करोड़ रुपए व सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि टोक्यो पैरालंपिक में हरविंदर ने कोरिया के किम मिनसू को हराकर कांस्य पदक जीता है।